हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। तय माना जा रहा था जैसे ही कुमारी शैलजा, किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू होगी, कांग्रेस में घमासान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यात्रा की शुरुआत में ही हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने ऐलान कर दिया कि कुमारी शैलजा CM पद की कैंडिडेट होंगी। इतना सुनते ही पूरी हरियाणा कांग्रेस में खलबली मच गई। उनका कहना यह था कि कुमारी शैलजा प्रभावी नेता हैं, हरियाणा भर में जनाधार रखती हैं, हरियाणा की 2 सीटों पर सिरसा और अंबाला में सांसद रही हैं, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। चंद्रमोहन की इस घोषणा करते ही हरियाणा के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलाकमान चंद्रमोहन के मुंह से शैलजा को आगे करने की कोशिश कर रहा है? कहीं यह कोशिश तो नहीं कि जाट वोट के साथ पिछड़ों वोटों को भी कांग्रेस अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्र, राजनीतिक विशेषज्ञ व शिक्षाविद धर्मवीर, रेवाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। धर्मवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि कल चंद्रमोहन ने सीधा ऐलान कर दिया कि कुमारी शैलजा CM पद की कैंडिडेट होंगी। आपको क्या लगता है इस पर हुड्डा पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए महेंद्र जी, मुझे लगता है कि हुड्डा खेमे का तो वो शुरू से ही जो है वो मान के चल रहे हैं कि पिछले 2 बार के कार्यकाल की तरह अगली बार भी अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद हमारे पास रहेगा। पिछले 2 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल है उसके उस दौरान कांग्रेस की जो भी गतिविधियां रही है तो उसमें कांग्रेस का जो विधायक दल था, जिसके विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो एक तरफ थे और वो सीधा सीधा जो है पार्टी का जो अध्यक्ष था, या तो उनके खेमे का बनेगा, अगर उनके खेमे का नहीं है तो उनको स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए जब वो पार्टी पे ही अपने किसी तरह का प्रभुत्व वो नहीं किसी दूसरे गुट का देख सकते तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनको कोई भी जो है अपने से अलावा कोई स्वीकार नहीं होगा। मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा को हुड्डा गुट तो किसी भी रूप में जो है वो स्वीकार नहीं। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कुमारी शैलजा को एक मास नेता माना जाता है हरियाणा में, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, यमुनानगर उनका अच्छा कैडर है, वो लगातार 2 बार सिरसा से सांसद रही हैं, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं, 2 बार अंबाला से भी सांसद रही हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो क्या कांग्रेस का आधार बढ़ सकता है या कलह ज्यादा बढ़ेगी? किसी को भी अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर घोषित करेगी कांग्रेस तो बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस में कलह, गुटबाजी, खेमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कुमारी शैलजा का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मायावती कमजोर हुई है, जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, तो कांग्रेस भी एक बड़ी अपेक्षा रखती है कि दलित वोट बैंक को किस तरीके से लुभाया जाए। अगर कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए, अगर कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर भी आती हैं तो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग में कांग्रेस को फायदा होना तय है। लेकिन समस्या वही रहेगी कि जैसे ही कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर आती हैं तो उनका विरोध भी उसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। अतीत में भी हुआ है, जब जब इन्होंने कार्यक्रम किए हैं वहां हुड्डा गुट के लोग पहुंचे हैं और उन लोगों ने नारेबाजी भी की है। पीछे पर्यवेक्षक ने जब अलग अलग जिलों में जब दौरे किए थे उस दौरान यही देखने को आया था कि जहां पर्यवेक्षक पहुंचते हैं वहां दूसरे गुट ने जाके उनका विरोध किया। शैलजा समर्थकों ने, रणदीप सुरजेवाला समर्थकों ने, किरण चौधरी के समर्थकों ने भी भूपेंद्र हुड्डा गुट का विरोध किया और इन लोगों ने भी ये विरोध किया। खुलकर हुआ, ये सब के बीच हुआ, सार्वजनिक तौर पर हुआ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है पंडित जी की, अगर ऐसा होता है तो कलह बढ़ना स्वाभाविक है। शंभू जी, मैं आपसे बात करूं, जब किरण कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तो हुड्डा गुट के सभी विधायकों ने पूरी ताकत लगा दी थी उनको हटाने के लिए। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक मीटिंगें हो रही थी, बगावत के सुर आने लगे थे। जब तक कुमारी शैलजा पदमुक्त नहीं हुई तो उनका अभियान जारी रहा। अब उनको चंद्रमोहन ने CM पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया है, इसको क्या देखते हैं कि हुड्डा गुट इसे कितना सहन कर पाएगा?
देखिए, मुझसे पहले दोनों ही वक्ता ने उस ओर इशारा किया कि हुडा गुट इस बात को सहन नहीं करेगा कि शैलजा को एज ए मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। और यहाँ पे एक बड़ी बात है कि इस बात को कितनी गंभीरता से ली जाए, क्योंकि चंद्रमोहन ने कहा कि हाँ शैलजा सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं या होंगी हमारी, तो किसी भी नेता को अपने दूसरे प्रिय नेता को सीएम बनाने या बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, वो बोल सकते हैं। जो कांग्रेस की परिपाटी रही है कि पहले ज्यादातर राज्यों में वो सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते, चुनाव होता, चुनाव के बाद फिर वो दिल्ली से सारा तय होता है कि कौन उस राज्य में उसका सीएम बनेगा, और जिस भी नेता ने पहले से ऐसा कोई ऐलान किया हो अपने को लेकर के या लॉबी की हो तो उसका पत्ता कटा है। और ये परंपरा कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है कि पहले से कोई अपने लिए लॉबी ना करे या इस तरह से कोई बात ना करे। लेकिन जो कल की जो घटना है कि चंद्रमोहन ने शैलजा के लिए बोला है, एक कैंडिडेट के तौर पे आप देखेंगे तो शैलजा में नेता के तौर पे कोई कमी नहीं है। एक तो दलित समुदाय से आती हैं, दूसरी बात कि केंद्र का अनुभव है काम करने का, लंबे समय से राजनीति में है और छवि अच्छी है, महिला भी है। तो अगर हरियाणा में कांग्रेस ये कार्ड खेले कि एक पहली बार कोई महिला सीएम बनेगी, अगर उसको ऐसे प्रोजेक्ट करे शैलजा को, तो वो कांग्रेस के हित में भी होगा। लेकिन सब कुल मिला के सब बात वहीं पे आ जाती है कि जो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो छत्र छाया है उससे ना तो कांग्रेस मुक्त है ना उसके बिना कांग्रेस है। उस स्थिति में वो कंप्लीटली शैलजा को एज ए सीएम तो एक्सेप्ट, आप तो एज ए सीएम की बात करके एज ए नेता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि भाई हमारा वो उसके नेतृत्व में हम उनके नेतृत्व में हम प्रदेश का चुनाव ही लड़ लें, वो भी एक संभव नहीं होगा। तो कहने का सेंस कि अभी इसको एक काल्पनिक आप मान सकते हैं, उनकी एक भावना मान सकते हैं चंद्रमोहन जी की, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई सिचुएशन, दूसरा कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा ये कांग्रेस के नेता बैठ के अगर ये तय करते कि ऐलान करते कि हाँ हमारा ये अगले इलेक्शन में हमारा सीएम कैंडिडेट ये हो सकते हैं, वो ऐलान करते तो बात समझ में आती। कहीं कोई किसी भी नेता के बड़े नेता की सहमति नहीं और इस तरह से कांग्रेस में कोई परिपाटी नहीं, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि हाँ ठीक है चंद्रमोहन जी की भावना है वो, और इस भावना से ज्यादा इसको इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं दिख रहा है। वसदी, अगर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहीं यह शैलजा गुट का पलटवार तो नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत में ऐलान कर दिया था कि हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा कहना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा खुद ही सीएम नहीं बनने वाले हैं, शैलजा सीएम बनेंगी? जी ऐसा है, चंद्रमोहन जी पार्टी में किसी बड़े पद पे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2005 में चौधरी भजनलाल और हुड्डा के बीच खिंच गई थी सीएम पद को लेके। चुनाव से पहले कांग्रेस जो है कई सीएम जो है ना प्रोजेक्ट कर देती है, अभी और भी सीएम आने हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव भी 2 बार प्रोजेक्ट किए गए थे जिस टाइम इन दोनों में खींचतान थी, हुड्डा और चौधरी भजनलाल में। चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया था, वो खुश हो गए थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बाद में भी संतुष्ट नहीं रहे और हमेशा हुड्डा का विरोध किया। इस समय चंद्रमोहन है वो पिता का बदला लेने के लिए शैलजा को आगे करना चाहते हैं, जबकि वो कोई ज्यादा कदावर नहीं है इस टाइम पार्टी में, इतने पावरफुल नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है। शैलजा जो है अच्छी उम्मीदवार है, कैंडिडेट भी है, दलित वोट पे अच्छी पकड़ है पूरे हरियाणा में, यहाँ साउथ हरियाणा में भी शैलजा की अच्छी पकड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकेले चंद्रमोहन के उनको आगे करने से अगर ये मान लिया जाए कि शैलजा जो है सीएम पद की कैंडिडेट हो सकती है तो ये गलत है। धर्मवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आला कमान की शरारत है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लगातार केसों में उलझे हुए हैं, कल भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लाट हो, चाहे वो बिल्डर्स को प्लाट देने का मामला हो, चाहे वो जमीन खरीद फरोख्त का मामला हो, वो लगातार केसों में उलझे रहते हैं। तो सीधा सीधा शैलजा को आगे करके आलाकमान ही चाह रहा हो कि जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको हम कब्जे में कर लें, उस पर अपना अधिपत्य जमा लें,
पंडित जी, कांग्रेस की एक समस्या तो है, वो ये है कि कांग्रेस जो है वो जो एक पार्टी में एक आदमी एक एक कदावर पैदा हो जाता है उससे संगठन जो है कमजोर होता है। इस समस्या से कांग्रेस जूझ तो रही है, हम राजस्थान में भी देखा है, अशोक गहलोत ने जैसे पूरी पार्टी को एक तरफ किया और खुद वो रहा, वही काम हुड्डा भी कर रहे हैं हरियाणा में। तो इसलिए हाईकमान जो है कहीं ना कहीं चाहता तो ये है कि पार्टी में कोई एक आदमी को इतना मजबूत ना होने दिया जाए कि वो कल को अगर आला कमान किसी भी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय का वो ओपनली चैलेंज करे। इसलिए आला कमान का इस पे कहीं ना कहीं जो है वो एक इशारा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि और दूसरी बात जो अभी कई साथियों ने जो है मेरे पैनलिस्ट ने कही भी कि चंद्रमोहन का कहना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है इलेक्शन तक इस तरह के कई सुगबुगाहट जो है वो होगी, क्योंकि तो अलग अलग वर्ग को जो है अपीज करने के लिए पार्टी जो है वो इस तरह का करेंगी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या हरियाणा में एक दलित मुख्यमंत्री को पार्टी जो है प्रोजेक्ट कर पाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा रही है कि हरियाणा में अध्यक्ष पद जो है वो दलित समुदाय के पास रहा है लंबे समय तक, चाहे वो तवर हो, शैलजा हो, या भी उदयभान हो, उससे पहले फूलचंद मोलाना थे। क्योंकि सत्ता और संगठन दो अलग चीज है, और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस खुद इस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही कि वो सत्ता में जो है वो एक दलित उम्मीदवार को वो लेके आए। इसीलिए वो इस समुदाय को अपीज करने के लिए, समुदाय को जो है अपने साथ बांधे रखने के लिए हर बार जो है वो अध्यक्ष पद इनको दिखाने के लिए होता है कि भाई ये आप तो जो है हमने एक दलित समुदाय जो हमारी पार्टी का मुखिया है प्रदेश का। तो क्योंकि और इस समय खासकर हरियाणा के जिस तरह के सामाजिक हालात है, जाट समुदाय बीजेपी से अभी नाराज है किसान आंदोलन के बाद, जेजेपी के भी साथ उतना मुझे लगता है अगले इलेक्शन में वो नहीं रहेगा क्योंकि इस गठबंधन से दोनों पार्टियों से वो नाराज है। इन एलओ का ग्राफ जिस तरह से कमजोर हुआ है पिछले 10 सालों में, तो उस समुदाय को जो है जाट समुदाय को इन एलओ से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए उसका बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कांग्रेस के साथ घूम फिर के आज की तारीख में है, और ऐसे में जो है एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी पार्टी, मुझे लगता है कि सामाजिक हालात जो है खुद कांग्रेस को जो है वो अनिर्णय की स्थिति में डाल रहे हैं कि वो शैलजा जैसे उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करे या ना करे। तो मुझे लगता है इलेक्शन से पहले शैलजा का सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्शन का मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई संभावनाएं नहीं लगती। शंभू जी, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस संदेश यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला शायद नहीं आएंगे, लेकिन आज वो शामिल हो गए। उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि उनके बेटे का रोका कार्यक्रम था इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जो कांग्रेस में आए हैं कुरुड़ा नंबरदार, आदमपुर से इनेलो के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट होगा तो वो इन तीनों में से होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये इसको एक पार्टी की तरफ से कोई विचारधारा नहीं कर सकते। अभी जैसे इससे पहले अभी आप जो कह रहे थे कि शैलजा को कहीं ये आलाकमान की तो शरारत नहीं है, तो आलाकमान अगर कोई मैसेज देना चाहेगा तो उसका उसका जरिया कम से कम चंद्रमोहन तो नहीं होंगे। ये तो एक मानने वाली बात है कि उनका उनका जरिया एक स्ट्रांग जरिया होगा और वो दिल्ली से होगा। और इसमें नरेंद्र जी का लॉजिक सही है कि हो सकता है कि चंद्रमोहन एक बदला लेने के हिसाब से शैलजा को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हों, उनके नाम ले रहे हों। इसमें तो